कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनला ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज हम लोग जा रहे हैं होंडा चौक पे राइड पे और हम लोग आज दो ही बंदे हैं और उधर दोस्त दो निकलेगा शायद से। इधर पेट्रोल डाल दिया है कितना का 1000 1000 में पहुंच जाएगा हम लोग देख सकते हैं आप लोग अगर 44,431 किलोमीटर हुआ है अभी कितना ट्रिप होगा पता नहीं तो चलते हैं गाइस मिलते हैं आप सभी को थोड़ा देर बाद। सो गाइस अभी हम लोग गाड़ी वॉश करने के लिए रुका है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गाड़ी गंदा हो चुका था इस वजह से देख सकते हैं मेरा पीछे गाड़ी वॉश हो रहा है गाइस और गाड़ी वॉश है अच्छे से वॉश करके मिलते हैं आप सभी को थोड़ा देर बाद। सो गाइस फाइनली निकल चुका है हम लोग घर से जब ये देख सकते हैं हम लोग का डिमाकुसी टाउन और आज संडे का दिन है बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रहा है गाइस मार्केट पे तो फिलहाल चलते हैं गाइस। और आज बहुत दिनों का बाद मतलब अरुणाचल पे जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम होगा शायद मैं अदर गाइस। फिलहाल हम लोग पनारी पहुँचने वाला है मतलब पहुँच चुका है पनारी और फिलहाल हम लोगों का 21 किलोमीटर हो चुका है घर से निकले हुए। फिलहाल हम लोग पनारी पार हो चुका है और अभी फिलहाल हरिसिंगा पहुँचने वाला है और इधर क्या चल रहा है गाइस शादी का आदमी लोग आया है ना कि आप पूरा भीड़ भाड़ रहे गाइस। तो गाइस चलते हैं वीडियो पे बने रहिए एंटक आज का वीडियो बहुत ही ठंड भी चल रहा है पता नहीं क्या सीन होने वाला है इधर ही उदलगुड़ी पहुंचने वाले हम लोग इधर ही इतना ठंड हो रहा है दो टू जैकेट लगा के भी काम नहीं चल रहा है और अरुणाचल की तरफ शायद ही कितना ठंड होगा पता नहीं। तो दोस्तों फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए उदलगुड़ी पे अभी इधर से राइट लेफ्ट उधर लेना पड़ेगा आगे पे और अभी फिलहाल हम लोग समथिंग 40 किलोमीटर कवर कर चुका हो 45 मिनट पे बहुत ही अच्छी बात है गाइस। सो गाइस फिलहाल हम लोग एंटर हो चुका है अभी भैरवकुंड जा रहा है सॉरी अरुणाचल जा रहा है लेकिन पहले भैरवकुंड पहुंचना पड़ेगा गाइस उसके बाद में अरुणाचल मिलेगा। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी बिकॉज आप लोगों को क्या ही दिखा हूँ भैरवकुंड तक तो आप लोगों को सभी को दिखा चुका हूँ मैं और इसी वजह से थोड़ा उधर के लिए बैटरी रखा हूँ गोप्रो पे गाइस तो उधर बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा कॉन्टेंट देना पड़ेगा आप लोगों को इसीलिए मैं बैटरी बचा बचा के रख रहा हूँ गोप्रो का गाइस। और मिलते हैं आगे सब सभी को गाइस मिलते हैं थोड़ा देर बाद। इधर का सीन चेक करो गाइस जब इधर मतलब बारिश का मौसम होता है ना तब मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन होता है बहुत ही अच्छा लगता है इधर मतलब। तो अभी फिलहाल तो क्या है बोलो अभी सूखना सूखना दिखाई दे रहा है सब कुछ गाइस गाइस। तो फाइनली हम लोग भैरवकुंड एंटर कर रहा हूँ अभी ये पुलिस स्टेशन भैरवकुंड का ये लास्ट पुलिस स्टेशन है हम लोगों का आसाम का उसके बाद में मिल जाएगा हम लोगों को अरुणाचल भैरवकुंड के बाद में गाइस। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे से गाइस और मिलते हैं आप सभी को उधर ही रुक के थोड़ा देर बाद। सो गाइस फिलहाल भैरवकुंड पहुंच गया है देख सकते हैं आप लोग इधर भैरवकुंड का नज़ारा गाइस कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार और आदमी तो नहीं है आज बिकॉज आज संडे है लेकिन संडे तो आदमी होना चाहिए गाइस फिर भी बहुत ही कम है आदमी और अभी उस तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को और इधर से हम लोग आ गया है गाइस तो देखते हैं क्या सीन होता है। हम लोग भैरवकुंड पहुँच गया है और फर्स्ट स्टॉप डायरेक्ट हम लोग भैरवकुंड पे वेट किया अभी कुछ खा लेते हैं पहले उसके बाद में निकलते गाइस भैरवकुंड गाइस। हम लोग का खाना पीना हो गया रोटी सोटी खा लिया है अभी भैरवकुंड पे अभी चलते हैं मिलते हैं आप डायरेक्ट मोटर प्लॉगिंग पे गाइस। तो गाइस मिल गया हम लोगों को भैरवकुंड क्रॉस कर चुका हुआ अभी फिलहाल और ये वाला रोड से जाना पड़ेगा शायद। ओ माय गॉड खत्म रोड का हालत ही नहीं है साला पता नहीं कैसे पहुँचूंगा गाइस। और देख सकते हैं पोर्क मज़ा मज़ा चीज़ बना है तो बने रहिए गाइस वीडियो पे एंड तक। तो देख सकते हैं गाइस इधर लैंडस्लाइड हुआ था पता नहीं क्या हुआ था बहुत ही बुरी हालत है रोड का तो नीचे का रोड से जा रहा हूँ गाइस हम लोग और इधर इतना सारा धूल मिट्टी उड़ रहा है गाइस देख सकते हैं गाड़ी का धुआं भी निकल रहा है एक्स्ट्रा और उसके बाद में धूल भी इतना उड़ा रहा है। ओ भाई आज तो खत्म फाइनली अभी एंट्री को मिल मतलब पास बनाना पड़ता है इधर हम लोग को पास बनाने नहीं है मतलब पास नहीं बनाया है और मतलब डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स भी कुछ कुछ चाहिए होता है। गाइस फाइनली एंटर हो चुका है हम लोग अरुणाचल बॉर्डर पे बिकॉज मतलब पास सास बनाना पड़ते हैं ना बहुत लेंगे तो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से लेके नहीं आया था पास बनाने के लिए और ज़्यादा दूर तक नहीं जाता हम लोग तो इसे पैसा भी वेस्ट हो जाता है गाइस। तो इसी वजह से हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा परमिशन मांग मांग के मतलब ये ऊपर थोड़ा आने के लिए उधर से मजबूर होकर हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे गाइस। तो चले चलते हैं गाइस वीडियो पर बने रही एंटर और अगर तवांग जाने के लिए मिलता तो नेक्स्ट टाइम श्योर जाएंगे हम लोग पास बना के गाइस विदाउट पास तो जाने नहीं मिलेगा। और इधर से देख सकते हैं बेली क्या है राइट साइड लेना पड़ेगा गाइस। तो
चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग इधर का नजारा कुछ इस तरह का गाइस, पूरा ब्यूटीफुल प्लेस। ओ माय गॉड, दिस इज हेवन। गाइस कैसा लग रहा है प्लेस देख के, आप लोग कमेंट कीजिए गाइस। रोड भी बहुत ही खतरनाक वाला है भाई साहब, थोड़ा स्लोली ही जाना पड़ेगा। ओ भाई इधर क्या रास्ता नहीं है भाई, रास्ता बना रहा है साइड से गाइस, रास्ता बना रहा है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना गाइस, मतलब क्या ही बताओ, जो आंखों से नजारा देख रहा हो कि शायद ही कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो सके गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, माँ कसम।